हेलो एवरीवन मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे बिहार एस्टेट पेपर टू के सिलेबस के बारे में हम लोग बात करेंगे एलेवेंथ ट्वेल्थ का सिलेबस क्या रहने वाला है पेपर टू इतिहास सब्जेक्ट के लिए बाय द वे आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री पॉलिटिक्स जोग्राफी जो भी हो आप उसके रिलेटेड वीडियो देख सकते हो प्लेलिस्ट मैंने अलग से बना रखी है उसे जाकर जरूर चेकआउट कर लीजिएगा पेपर वन भी है तो भी जाकर आप देख लेना पेपर वन के लिए सारे सब्जेक्ट की मैंने सिलेबस बना दी है अपलोड कर दी है तो चलिए बिहार स्टेट के सिलेबस को हम लोग देखेंगे इतिहास के सिलेबस को क्या क्या आपको पढ़ना है कंप्लीट 150 मार्क्स का जो मार्किंग स्कीम है जो परीक्षा पैटर्न है इस वीडियो में आपको पूरी पूरी जानकारी दी जाएगी वीडियो आगे शुरू करें उससे पहले मैं आप लोगों से तीन प्रश्न पूछना चाहूँगा नीचे कमेंट करके आप लोग बताइएगा सबसे पहला सवाल आप लोगों के लिए ये रहा नालंदा विश्वविद्यालय को किसने तोड़ा पहला सवाल दूसरा सवाल आपके लिए ये रहा शेरशाह सूरी का जो एक बहुत बड़ा मकबरा है बिहार में वो कहाँ पर है वो आपको बताना है तीसरा सवाल आपके लिए ये रहा आपको बस ये बता देना है कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वो किसके किसके बीच लड़ा गया था तीन सवाल हैं तीनों सवाल का जवाब आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा तो चलिए पीडीएफ डी एफ की ओर चलते हैं जो ऑफिशियल पीडीएफ डी की वेबसाइट पे अपलोड हुई है उसे हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं अगर आपको प्रीवियसर क्वेश्चन पेपर चाहिए इसका और जो प्रीवियसर क्वेश्चन पेपर पहले पूछे जा चुके हैं स्टेट में वो आपको मिल जाएगा ओनली फोर्टी नाइन रुपीज़ में यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लो योर मिथुन सिंह एट द रेट जी मेल डॉट कॉम पर मेल कर लीजिए इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी एट द रेट आई मिथुन सिंह आप जो है वहाँ से चीज़ों को देख सकते हो पेपर आप परचेस कर सकते हो तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हिंदी में आपको सिलेबस बता दूंगा घबराने की जरूरत नहीं है हिंदी में ही बता जाऊँगा देखिए हड़प्पा सिविलाइजेशन को पढ़ लेना है जहाँ पे भूगोल के तौर पर क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई भौगोलिक स्थिति क्या थी इसका इम्पॉर्टेंट साइड जो क्षेत्र जहाँ जहाँ मिला है उसके बारे में आपको पढ़ लेना है यहाँ का जो शहरीकरण का जो प्लानिंग था कैसे नालियाँ थी कैसे घर थे किसे किचन थे इन चीज़ों को आपको पढ़ना है यहाँ की सोसाइटी क्या थी इकोनॉमी यानी कि यहाँ का बाज़ार कैसा था यानी अर्थव्यवस्था कैसे चलती थी धर्म किस तरह के लोग यहाँ पे मानते थे और हड़प्पा संस्कृति जो है कल्चर जो है वो कैसे खत्म हो गई डिक्लाइन हो गई इसके बारे में आपको पढ़ना है यूनिट वन मैंने आपको बता दिया अब चलिए यूनिट टू की ओर चलते हैं देखिए मौर्य एज के बारे में पूछा गया है जो अचीवमेंट है चंद्रगुप्त मौर्य का वो आपसे पूछा जाएगा अशोका की जो फॉरेन पॉलिसी थी विदेश नीति उसके बारे में और अशोक के द्वारा जो धर्म यानी कि धर्म के बारे में बौद्ध धर्म का इन्होंने प्रचार प्रसार किया है वो आपसे पूछा जाएगा और मौर्यों की जो सोसाइटी थी यानी कि इनका समाज था व्यवस्था थी राज व्यवस्था और इन्होंने आर्ट में यानी कि कला के क्षेत्र में क्या क्या योगदान दिया है यह आपसे पूछ लिया जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि यहाँ की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो कैसे थी वो आपको पूछना है और फाइनली ये कैसे डूबा या इसका पतन कैसे हो गया ये आपको बताना है आगे देखिए अगला जो है आपको बताना है कॉजेज स्टेट नेचर और इम्पैक्ट ठीक है आगे देखते हैं इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ये कहाँ पे हुआ था और इसका इम्पैक्ट क्या हुआ इसका परिणाम क्या हुआ हर्षवर्धन के बारे में पढ़ना है सोर्स कहाँ से मिलेगा आपको और इसका जो हर्षवर्धन का एम्पायर था वो कैसे कैसे आगे बढ़ा और इसकी प्रशासनिक व्यवस्था क्या थी चोल के बारे में आपको पढ़ना है कि जो इनके द्वारा अचीवमेंट किया गया था राजराज -राज के द्वारा या फिर राजेंद्र चोला के द्वारा और इनका जो लोकल प्रशासन था वो कैसा था मेरे मेरेटाइम एक्टिविटी यानी कि नौसेना की एक्टिविटी इनके द्वारा कैसे की गई थी वो आपसे पूछा जाएगा और फ्रांस की क्रांति सत्रह सौ नवासी की आपसे पूछी जाएगी क्या कारण था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ इसकी प्रकृति कैसी थी और इसका क्या असर देखने को मिला और नेशनल असेंबली की क्या अचीवमेंट थी लोगों को इक्वल वोट इक्वल राइट महिलाओं को मिला था इसके बारे में आपसे पूछा जाएगा रीजन ऑफ टेरर ये आपसे पूछ लिया जाएगा सेकेंड वर्ल्ड वार को आपको पढ़ना है फर्स्ट वर्ल्ड वार के बारे में इन्होंने कुछ नहीं बताया दिल्ली सल्तनत के बारे में आपको पढ़ना है 1206 से लेकर 90 तक गुलाम वंश को भी इसमें शामिल कर लिया गया है अलतुतमिश्र से लेकर बलवंत तक आपको पढ़ लेना है आगे देखिए अकबर के बारे में आपको पढ़ना है अकबर ने क्या क्या मुगल अंपायर के लिए किया राजपूत के साथ इन्होंने कैसे संबंध बनाए इनकी रिलीजियस पॉलिसी क्या थी नेशनल मोनार्क यानी कि राज ये पूरे भारत का राजा कैसे बना उसके बारे में बादशाह कैसे बना अगर टू बी पीसाइज में बोलूँ प्लासी की लड़ाई और बक्सर की लड़ाई के बारे में आपको पढ़ना है कि ये कैसे हुआ क्यों हुआ और इसका क्या असर हुआ आगे देखते हैं अठारह की क्रांति को पढ़ना है आगे देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में पढ़ना है और जो अर्ली नेशनलिस्ट मूवमेंट थे उसके बारे में पढ़ लेना है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यानी कि असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा जो चलाया गया था इसका क्या असर हुआ क्या इफेक्ट हुआ ये पढ़ना है और जो स्वराज आंदोलन था और सिविल सबिनय अवज्ञा आंदोलन ये भी पढ़ना है क्यों हुआ था कैसे इसका क्या असर हुआ और कम्युनलिज्म यानी कि जो कम्युनलिज्म के क्या कारण थे ये कैसे हुआ था इसके बारे में भी आपको पूरा पूरा पढ़ लेना है आगे देखिए अगले यूनिट की ओर हम लोग बढ़ेंगे अगला यूनिट जो है वो ये रहा ठीक है आगे देखिए अगला यूनिट के बारे में पढ़ते हैं हम लोग वेट मिनट खत्म हो गया ये वेट वेट वेट, वेट खत्म नहीं हुआ है भैया और कुछ है हाँ है यूनिट पंद्रह में इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन यानी कि भारत को स्वतंत्रता मिली देश का बंटवारा कैसे हुआ कैबिनेट मिशन के प्रपोजल और क्या इसके जो है कॉन्सिक्वेंसेस हुए थे वो आपको पढ़ लेना है और नेशनलिस्ट मूवमेंट यानी कि देश में जो राष्ट्रीय आंदोलन चले और प्रिंसली स्टेट जो थे उनका क्या हुआ फिर उनके बारे में पढ़ लेना है अब देखिए कॉमन पेपर की अगर मैं बात करूँ कॉमन पेपर में क्या क्या पूछा जाएगा अधिगम और शिक्षण कैसे करें इसका क्या मतलब होता है कैसे इसको किया जाए प्रोसेस क्या है प्रक्रिया क्या है और इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक है वो आपसे पूछ लिया जाएगा देखिए मैं तीस नंबर के लिए बता रहा हूँ बीस नंबर के लिए सभी का कॉमन है जो कि जी के जी एस आएगा उसके बारे में भी बताऊँगा आगे देखिए पढ़ाने का जो ऑब्जेक्टिविटी अब, है वो क्या है लर्निंग कैसे होती है वगैरह वगैरह आपसे पूछ लिया जाएगा और सबसे इंपॉर्टेंट ब्लूम्स टेक्सोनॉमी आपको पढ़ना है टीचिंग मेथड की अगर मैं बात करूं तो इसका क्या प्रकार है कैरेक्टरिस्टिक क्या है मेरिट और डिमेरिट क्या है यानी कि इसके क्या जो है अच्छे से गुण है और क्या बुरे गुण है टीचिंग लर्निंग का मतलब ये हो गया टीचिंग अगर आप किसी को लेक्चर मेथड से पढ़ा रहे हो इसमें क्या खूबियाँ हैं क्या खामियाँ हैं ये आपको पढ़ लेना है लेसन प्लान की अगर मैं बात करूँ तो इसका फॉर्मेट कैसे बनेगा मॉडल कैसे बनाओगे आप इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए माइक्रो टीचिंग की अगर मैं बात करूँ तो माइक्रो टीचिंग यानी कि सूक्ष्म शिक्षण के बारे में आपसे पूछा जाएगा इफेक्टिव इकोसिस्टम ऑफ क्लासरूम क्लासरूम का वातावरण को आप कैसे ठीक करोगे ताकि लर्निंग अच्छे से हो सके अधिगम अच्छे से बच्चे सीख पाए अच्छे से ये आपको पढ़ना है पुस्तक और लाइब्रेरी के बारे में पढ़ना है क्वालिटीज़ ऑफ अ टीचर शिक्षक की क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए वो आपको पढ़ना है रेवोल्यूशन यानी कि मूल्यांकन कैसे करोगे असेसमेंट कैसे करोगे बच्चे का बच्चा सीख पा रहा है अथवा नहीं उसके बारे में अब देखिए करिकुलम यानी कि पाठ्यचर्या के बारे में भी आपको पढ़ना है फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग एंड लर्निंग बच्चे को सिखाने और सीखने के दौरान क्या क्या फैक्टर काम आते हैं क्या क्या अवरोध आता है सामने में ये चीज़ों को आपको पढ़ लेना है आगे देखिए अगर मैं बात करूँ टीचिंग एड्स की जैसे कि आप मॉडल बनाते हो चार्ट पेपर बनाते हो या फिर ऑडियो विजुअल बच्चे को कोई गाना सुना देते हो या फिर कोई स्पीच सुना आप पढ़ा रहे हो या फिर वीडियो दिखाकर पढ़ा रहे हो तो उसका क्या क्या इम्पैक्ट आएगा लर्निंग पे ये इंपॉर्टेंट है अब देखिए अदर इसके लिए मैं जीके से पाँच मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा ई से पाँच नंबर के सवाल पूछ लिए जाएंगे मैथमेटिक्स से पाँच नंबर का सवाल पूछ लिया जाएगा आपसे और लॉजिकल रीजनिंग से भी पाँच सवाल आपसे पूछ लिए जाएंगे तो पाँच 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 आपको यहाँ पर पढ़ लेना है वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें अपने दोस्तों के बीच से, से शेयर करें और वीडियो यहाँ तक अगर आपने देखी है पूरी वीडियो देख ली है तो मुझे भी इस बारे में पता चल सके इसलिए नीचे कमेंट सेक्शन में जय हिंद जरूर लिखिएगा वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए हाथ जुड़ के सभी 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 भाइयों बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया हैव अ गुड डे